हम आपके बीच में हैं एक और औषधीय पौधों के संदर्भ में ढेर सारी जानकारी को लेकर। यह आयुर्वेद में चित्रक के नाम से जाना जाता है। यह चित्रक का पौधा आयुर्वेद में प्रयुक्त होने वाले औषधियों में बहुत जाना पहचाना पौधा है। हालांकि अभी इसमें पुष्प नहीं आए हुए हैं। इसमें प्रायः तीन तरह की प्रजाति होती हैं और उन तीन प्रजातियों में दो मुख्यतया इस देश में औषधि में हम लोग प्रयुक्त करते हैं। एक में लाल फूल होता है, एक में नीला फूल होता है और एक में सफ़ेद फूल होता है। तो औषधि में हम ज़्यादातर श्वेत पुष्प जो चित्रक है उसका प्रयोग करते हैं। यह आयुर्वेद की जितने भी औषधियां हैं उसमें विशेषकर अजीर्ण वातज रोगों में इसका हम प्रयोग करते हैं। चित्रक के बहुत सारे प्रयोग हैं। आयुर्वेद की यह बहुत प्रसिद्ध औषधि है। प्रायः चित्रक में जब हम इस चित्रक का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादातर इस चित्रक मूल का प्रयोग करते हैं, जड़ का प्रयोग होता है लगभग हर रोग में। तो इसके कुछ प्रयोगों के संदर्भ में हम अभी जानते हैं। कई सारी तरह की जो टेंशन की वजह से हिस्टीरिया की शिकायत हो जाती है माताओं बहनों को, बड़ी भयानक रोग है, बड़ी भयानक पीड़ा होती है, बड़ा फिट जैसे पड़ते हैं और हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। कोई उसके लिए एपिलेप्सी की चिकित्सा करता है, कोई और कुछ कराते हैं, बड़ी विकट और विषम परिस्थितियां होती हैं। मेंटली फिर जाकर के बाद में प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो जाती हैं। जिनको हिस्टीरिया है, यदि आप ब्राह्मी बच और चित्रक शुद्ध किया हुआ बच का पाउडर 1 ग्राम, ब्राह्मी का पाउडर 1 ग्राम, चित्रक का पाउडर 1 ग्राम, ये 3 ग्राम तीनों को बराबर लेकर के आप इसका पाउडर कर लें। पाउडर करके प्रातः और सायंकाल दूध से या पानी से उसका सेवन करें तो जो हिस्टीरिया जैसे भयानक खतरनाक बीमारी है उससे निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये एक बहुत ही निरापद और बहुत ही एक अच्छा यह दिव्य प्रयोग है हिस्टीरिया जैसी खतरनाक बीमारी के लिए।